जाए तो थोड़ा गेट खुलवा दूँ मम्मी। इस बस्ती में रहने वाले केशव प्रसाद सोनी और उनकी पत्नी मंजू बाई सोनी इस रोड की समस्या से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, जो रद्द होने के कारण पानी भी नहीं भरने जा पाते हैं और जाते हैं तो उसमें उनको बहुत समस्या होती है। अच्छा तो आप ये बताइए बहन जी, आप चल नहीं पाते हैं? हाँ चल नहीं पाते हैं हम। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आपको क्या क्या मुसीबतें हैं? डरे हैं सोई पे से चले जात को चार गए, अब भिड़ा जात आजू बाजू पानी डरो। क्यों आपके घर में लैटरिन शौचालय कुछ है? नहीं हमारा लैटरिन नहीं है, बाहर जाना पड़ा भिड़ा जात कीचड़ में गिर पड़ा। आपको जो सरकारी योजना चल रही है मर्यादा साला, उसमें आपने आवेदन नहीं किया शौचालय के लिए? आवेदन किया है, सुनाई नहीं भाई। मंजू और केशव जी की तरह और भी इस दूसरे लोग भी इस रोड की समस्या का सामना कर रहे हैं, जो कि इस चिकनी मिट्टी का खेत होने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वार्ड नंबर 17 और 18 में कुल तादाद है 400 से लेकर 500 तक, जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कैसे आया ये बदलाव? ग्राम पंचायत गए, सबरी में गए, मगर हम लोग की कोई सुनाई नहीं होती। फिर का नाम से हम लोगों ने दीदी जी को बताया, दीदी को के दीदी हम लोग हजा परेशानी है, आप कर सको तो करो। फिर भी संग भाई उनने बताई, फिर वीडियो बनाई दीदी ने, वीडियो बनाई, वीडियो हम उन्हें इतने नहीं सुनाई भाई। फिर माँ अधिकारियों को बताई, जब उन्हें अधिकारियों ने बताई कि हो जाएगा, जब हमारे पैसे आ जाएंगे, तुम लोग इतने दिन से परेशान हो रही, हो जाएगा कहना पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारी वो हो जाएगा काम। पहले यहाँ कैसा रोड था आपके यहाँ? यहाँ पे दो दोपहर से गली थी, ना तो खेल पाती थी ना कुछ कर पाती थी। क्यों नहीं खेल पाती थी? कीचड़ मचता था यहाँ पे। अब आपको कैसा लगता है क्या? अब यहाँ पे सीसी डल गया तो अच्छा लगता है, खेल भी पाती है। मैं आरती वाल्मीकि, ग्राम बटियागढ़, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।